एसडीएम ज्योति मौर्या के प्रकरण में एक सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। इस खबर के आने के बाद से ही पूरे देश में मातम पसरा हुआ है। जी हाँ, बता दें आपको कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसडीएम ज्योति मौर्या के ऊपर उनके पति आलोक मौर्या ने हत्या करने का आरोप लगाया था। अब उसी आरोप का हवाला देते हुए एसडीएम ज्योति मौर्या ने अपने ही पति आलोक मौर्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। अब इस शिकायत के बिना पर पुलिस ने तो जांच भी शुरू कर दी है। जी हाँ, बता दें आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि जिस तरीके से आलोक ने क्लेम किया था कि उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे मिल करके मुझे रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे हत्या का प्लान कर रहे हैं। और ये सभी प्रूफ उन्होंने व्हाट्सएप चैट के जरिए दिया था। उन्होंने अपनी ही पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्या के व्हाट्सएप चैट से वह सभी चीज़ें निकाल ली थी, और जिसके बाद उनकी पत्नी ने उन पर यह आरोप लगा दिया है और पुलिस में यह शिकायत दर्ज कर दी है कि मेरे पति ने मेरा मोबाइल हैक किया, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप चैट को पढ़ा। इस बेस पर आलोक मौर्या के ऊपर कई धाराएं लग रही हैं और पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। बता दें आपको कि खबर आ रही है कि बहुत ही जल्द आलोक मौर्या को जेल जाना पड़ सकता है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही। जानेंगे हम इस वीडियो में कि क्या आलोक मौर्या सच में जेल जाएंगे, और साथ ही साथ एसडीएम ज्योति मौर्या अब इसके आगे क्या करेंगे। तो वहीं मनीष दुबे के बारे में भी एक बड़ी अपडेट आई है, जानेंगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दरअसल बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्या ने अपने ही पति आलोक मौर्या पर एफआईआर दर्ज करा दी है, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पति ने मेरे ही फ़ोन को हैक किया, मेरे व्हाट्सएप चैट को पढ़ा, जो आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। अब निजता के अधिकार का हवाला देते हुए एसडीएम ज्योति मौर्या ने अपने पति आलोक मौर्या पर केस ठोक दिया है। इस केस के बाद से यूपी पुलिस आलोक मौर्या के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जैसे ही जांच शुरू करने की खबर आई, पूरे देश में मातम पसर गया। लोगों को लगने लगा कि देखो, एक पति जो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, उसे इतने ऊंचे पद पर पहुंचाया, उसी पत्नी ने अब अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। ज़रा आप लोग भी बताइए कमेंट करके कि यदि कोई व्यक्ति किसी के व्हाट्सएप में अपनी हत्या के प्रयास का अगर कोई प्रूफ देख लेता है तो क्या उसने गलत किया? उसने जिस भी तरीके से अपने ही हत्या के प्रयास को रोकने की कोशिश की, क्या उसने गलत किया या सही किया? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वहीं दूसरी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यह निकल कर आ रही है कि मनीष दुबे के खिलाफ जो भी विभागीय जाँच हो रही है, उस विभागीय जांच का जो रिपोर्ट सौंपा गया है, उस रिपोर्ट में ये कहीं जिक्र नहीं किया गया है। मतलब इस बात का कहीं ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है कि मनीष दुबे एसडीएम ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या की हत्या का प्रयास कर रहे थे या उसका प्लान बना रहे थे। इस खबर के आने के बाद से भी लोगों को लगने लगा है कि लगता है अब आलोक को न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि मनीष दुबे के खिलाफ जो भी केस चल रहे हैं वह सभी केस विभागीय जांच के थ्रू उन पर आ गए हैं। लेकिन जो आरोप आलोक मौर्या ने लगाया था उसका कुछ नहीं हुआ। आलोक मौर्या ने मनीष दुबे पर एक ही आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरी हत्या का प्लान बनाया है, जबकि विभागीय जांच में इस बात के कोई ठोस सबूत या कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। मतलब साफ है कि इस विभागीय जाँच में मनीष दुबे आलोक मौर्या के हत्या के प्लान वाले केस से बरी हो जाएंगे। लेकिन वहीं आलोक ने कहा है कि मैं अपनी हार नहीं मानूंगा, आखिर मेरी क्या गलती है कि मैंने एक सामान्य इंसान होने के बावजूद भी कर्ज लेकर अपने पत्नी को पढ़ाया, उसे एसडीएम बनाया, और साथ ही साथ अब मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, ऊपर से मेरे बच्चे से मिलने से रोक रही थी, अब ऊपर से मेरे हत्या का भी प्रयास कर रही थी, और इन सभी चीज़ों के बाद जब मैंने आवाज़ उठानी चाहिए तो उल्टा मेरे ऊपर ही केस ठोक दिया गया। क्या यह सही है? आप लोगों से भी पूछा जा रहा है कि क्या यह सही है, हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ बता दें कि आलोक मौर्या के ऊपर उनकी पत्नी एसडीएम मौर्या ने एक और आरोप लगाया है, और उसके खिलाफ भी वो एफआईआर दर्ज कराने के बारे में सोच रही हैं। मतलब कि आलोक मौर्या के ऊपर एक के बाद एक एफआईआर ठोके जा रहे हैं। इतने एफआईआर ठोक दिया जाएगा कि आलोक मौर्या परेशान होकर के शायद हार मान लेंगे। तो क्या हार मानना चाहिए? बता दें आपको कि एसडीएम ज्योति मौर्या ने अपने ही पति आलोक मौर्या के खिलाफ यह आरोप लगाया है।
कि जब यह मामला पूरा मीडिया में उछल गया था, जब ज्योति मौर्य की काफ़ी बदनामी होने लगी, तो ज्योति मौर्य ने कहा कि आलोक तुम क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, आओ हम समझौता करते हैं। तो ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक मौर्य ने मुझसे समझौता करने के लिए 50 लाख रुपए, एक फॉर्चुनर गाड़ी और प्रयागराज में एक जगह घर है उसकी डिमांड की थी। मतलब कि अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। इस बात का भी जो FIR दर्ज होना है वह आलोक के ऊपर कराने की बात चल रही है। मतलब कि एक बंदा जिसकी कोई गलती नहीं, एक लड़की से शादी करता है, उसे पढ़ाता है, उसे SDM बनाता है, 2 बच्चे भी होते हैं, हंसी खुशी परिवार चलता है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के पिता ने अपने पेंशन के पैसे से उसकी बीबी के लिए घर भी खरीद लिया, इसके बावजूद उस व्यक्ति को क्या मिला? FIR पे FIR और पत्नी का धोखा और बच्चों से न मिलने की सज़ा और मीडिया में उसकी इतनी बेइज्जती, इन सभी चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है जैसे मानो कुछ लोगों के दिल में तो मानवता रही ही नहीं। इस विचार पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका जो भी इस मामले में इस केस पर विचार हो वो ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बता दें कि अब जो SDM ज्योति मौर्य हैं, उनके जो बॉयफ्रेंड मनीष दुबे हैं, वो अपने आप को आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य से अलग थलग करने का बखूबी प्रयास कर रहे हैं। वो कई सारे ऐसे प्रूफ दे रहे हैं और कई सारे ऐसे बातें बोल रहे हैं जिससे क्लियर हो जाए कि मनीष दुबे का ज्योति से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो SDM ज्योति मौर्य ने जिस तरीके से अपने पति को छोड़ करके मनीष दुबे के पक्ष में गई थी, अब मनीष दुबे खुद ही उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि झाड़े भी क्यों ना, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। मनीष दुबे ने तो बहुत सारे प्रूफ दिखाए, यहाँ तक कि अपने शादी के भी कागजात दिखाए, जिसमें साफ पता चल रहा है कि मनीष दुबे SDM ज्योति मौर्य के साथ संबंध में आने से बहुत पहले से शादीशुदा हैं। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के SDM ज्योति मौर्य बहुत परेशान दिख रही हैं। और उधर दूसरी तरफ मनीष दुबे की वाइफ ने साफ तौर पर कहा है कि मैं मीडिया में कोई बाइट नहीं दूंगी, मैं अपना इस पर कोई विचार नहीं रखूंगी, मुझे जो करना होगा मैं घर के अंदर आपस के परिवार में रहकर ही करूंगी। अब इस पर देखा जाए तो 2 लोगों का सबसे बड़ा घाटा हुआ है। सबसे ज़्यादा घाटा तो हुआ है आलोक मौर्य का और दूसरा हुआ है ज्योति मौर्य का, क्योंकि ज्योति मौर्य अब कहीं की नहीं रही, वही आलोक मौर्य इतना सब कुछ करने के बाद, पढ़ाने लिखाने के बाद, कर्ज लेने के बाद, उनको मिला क्या अंत में? एक के बाद एक FIR। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना है आप लोगों का, ये अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को WhatsApp पर, Facebook पर, हर जगह ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।